तो आज से 7 साल पहले दिसंबर के महीने में कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी को उम्मीद भी नहीं होती है। उस समय नेटफ्लिक्स पर बहुत सारे इंग्लिश शोज ट्रेंड कर रहे होते हैं एंड तभी एक जर्मन शो आता है जिसका नाम होता है डार्क, और वो पूरी दुनिया भर में तबाही मचा देता है, हर एक कंट्री में तबाही मचा देता है। एंड उस सीरीज में ऐसा क्या होता है? उस सीरीज में होती है उसकी मास्टरपीस डायरेक्शन, उसकी मास्टरपीस राइटिंग, उसकी मास्टरपीस साउंड डिजाइन एंड म्यूजिक, जो कि आपको हमेशा के लिए याद रह जाता है। एंड अगर मैं बता रहा हूँ तुमने पूरी सीरीज देख ली तो कभी भी तुम उसके म्यूजिक को भूल नहीं पाओगे, उसके नॉस्टैल्जिया को कभी भी नहीं भुला पाओगे। जो सीरीज ये तुम्हें एक्सपीरियंस करवाती है वो कहीं भी तुम नहीं कर पाओगे। ये सीरीज एक नशे की तरह लगने लगती है जिससे अगर तुम्हें कोई भी गम भुलाना हो ना तो तुम डार्क सीरीज देखना स्टार्ट कर दो। एंड अगर तुम्हें इसमें इंटरेस्ट आने लगा ना तो भाई तुम इसमें रम जाओगे, तुम्हारे सारे गम ये भुला देगी एंड तुम्हें चरम सुख की प्राप्ति होगी इससे। एंड डार्क के लिए अलग से मैं तुम्हें एक वार्निंग जरूर देना चाहूंगा कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा आईक्यू लेवल थोड़ा सा कम है या फिर या सीरीज देखते समय तुम यार अपना फोन चलाने लगते हो तो ये सीरीज बिल्कुल भी तुम्हारे लिए नहीं बनी है। एक भी सीन अगर तुमने इसमें मिस कराना तो तुम्हारी सीरीज के बहुत ज्यादा पीछे रह जाओगे, कुछ ऐसे डिटेल तुम मिस कर जाओगे जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीरीज के लिए एंड तुम्हारा आगे जाके माइंड फक कर सकती है। बहुत सारे लोग भाई तारीफ करते हैं, हम सभी तारीफ करते हैं इंटरसेप्शन, इंटरस्टेलर, टेनेट और मैट्रिक्स जैसी मूवीज की जो कि यार हॉलीवुड में बनी है एंड लोगों को इंस्पायर करती है और चीजें ऐसी बनाने के लिए। एंड इंटरस्टेलर में बहुत सारे टाइम के कॉन्सेप्ट दिखाए गए थे जहां पर टाइम ट्रेवल भी हमें देखने को मिला था, बट यार डार्क जो टाइम ट्रेवल के साथ खेलती है ना भाई, तुम्हारा दिमाग का दही हो जाएगा कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, ये कैसे पॉसिबल है कि इतने अच्छे तरीके से कोई यार इसको इतना ज्यादा बैलेंस रख दे कि एक एक चीज बिल्कुल सटीक टाइम पर, जिस पर तुम कभी भी सवाल उठा ही नहीं सकते कि भाई ये कैसे हो गया। जो भी यार इसमें टाइम ट्रेवल दिखाया है, पैरेलल यूनिवर्सेस दिखाए हैं, उनके अंदर की स्टोरी है, उसमें ट्विस्ट है एंड जितने भी कॉन्सेप्ट इसमें दिखाए हैं ना, अगर तुम उनके बारे में सोचने जाओगे तो मैं हर एक चीज का रीजन मिलेगा एंड तुम्हें पता लगेगा इसमें कितनी क्लैरिटी है एंड कितना जेन्युइन शो ये बनाया गया है। एंड उसके बाद भी भाई कैरेक्टर्स और रिलेशन की उनके तो मैं क्या ही बात करूं, जो कि सबसे ज्यादा खतरनाक और चीज लगती है जब सोचने जाते हो तुम। भाई हर एक कैरेक्टर के लिए इन्होंने तीन तीन तो एक्टर कास्ट कर रखे हैं जो कि उसका प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर बताते हैं एंड वो इतने सटीक तरीके से तुम्हें समझ में आता है ना कि भाई हां बंदा अगर ये बड़ा होगा तो बिल्कुल ऐसा ही लगेगा भाई, हाँ तो तुम्हारा दिमाग बिल्कुल ही भाई फक्ड अप हो जाता है कि इतना अच्छा कैसे बना सकते हो तुम। अब इतने सारे कैरेक्टर्स होने के बाद भी भाई उनकी एक आइडेंटिटी होती है, उनके अंदर एक डेप्थ होती है। जैसे कि अगर बात करूं जोनास मार्था, एडम एंड ईवा की, तो जो उनका इवॉल्विंग आर्क दिखाया है ना वो इतना ज्यादा प्यारा लगता है कि आपको देखकर मजे आ जाते हैं। एंड जब वो डायलॉग्स भी होते हैं ना, वी आर परफेक्ट फॉर ईच अदर, डोंट ट्रस्ट एनीवन, भाई मजे आ जाते हैं उनको सुनकर। और जोनास का जो ट्रांसफॉर्मेशन एडम में होता है भाई यार क्या ही बताऊं, इतना फक्ड अप हो जाता हूं मैं दिमाग से सोच कि भाई वो कहां से लेकर कहां पहुंच गया है एंड ऐसा कैसे हुआ, क्यों हुआ, भाई वो बिल्कुल समझ में ही नहीं आता है उसका प्लॉट। फिर इन सारी चीजों के परे आती है इसकी फिलॉसफी और इसकी थीम, जो कि आपके दिमाग में बैठ ही जाती है और आपको दुनिया के पार ही ले जाती है। डार्क एक्सप्लोर करती है आपकी डेस्टिनी, आपकी फ्री विल को, एंड भाई जो कॉन्सेप्ट दिखाया है ना, आप सोचने पर मजबूर हो जाते हो कि आपकी डेस्टिनी में आपकी फ्री विल एक्वायर होती भी है या नहीं होती है, या आपको वही बनना है जो कि आपके भाग्य में लिखा गया है और आपको आपकी फ्यूचर सेल्फ के द्वारा बताया गया है। इसके डायरेक्टर को तो भाई 21 तोपों की सलामी देनी चाहिए हम सबको कि भाई जो इसने यार स्टोरी टेलिंग यूज करी है, जो सिनेमेटोग्राफी यूज करी है ना, वो आपके दिल में बैठ जाती है इसकी थीम को लेकर। जो इसका यूनिक कलर ग्रेडिंग है, इसका एटमॉस्फेरिक शॉट्स हैं, इसके मेटिकुलस अटेंशन जो डिटेल्स पर ये लोग देते हैं ना, छोटी छोटी चीजों पर, एंड एंड में जाकर वो डॉट्स जब कनेक्ट होते हैं आप सोचते हो उनके बारे में तो आप डैम हो जाते हो कि भाई इतना ज्यादा खूबसूरती से ये सीरीज बनाई गई है। ये नेटफ्लिक्स के और शो जैसे स्ट्रेंजर थिंग्स, वेडनेसडे, स्क्विड गेम, All of Us Are Dead से काफी ज्यादा मैच्योर फील होती है एंड काफी ज्यादा अलग भी है अपनी स्टोरी टेलिंग को लेकर, जहां पर ये आपसे बहुत ज्यादा पेशेंस मांगती है। एंड अगर आप पेशेंस से यार इसको देखने बैठ जाते हो ना तो आपको चरम सुख की प्राप्ति होती होती है एंड आपको इतने मजे आते हैं इसको देखने में कि भाई ये सारी सीरीज इसके सामने बहुत फीकी लगने लगती है। आप सोच ही नहीं सकते कि भाई ये सीरीज कहां मोड़ लेने वाली है। एंड इसमें ऐसा भी दिखाया जा सकता है कि जहां पर आपका दिमाग भाई फट जाए, और जो यहां पर इन्होंने साइंस फिक्शन भी यूज कर रखा
लिखा है वो भी इतना प्यारा लगता है देखने में, जो क्वांटम फिजिक्स यूज करी है, टाइम लूप्स यूज करे हैं, जो गॉड पार्टिकल भी इसमें दिखाया गया है, वो इतना ज्यादा सटीक लगता है कि भाई हाँ, अगर इससे टाइम ट्रेवल पॉसिबल हो पा रहा है, उस मशीन से हो पा रहा है, तो जो भी चीजें यहाँ पर दिखाई गई है ना, उन सबके पीछे एक ना एक रीजन है, एंड आप उस पर बिलीव करने लगते हो धीरे धीरे करके। मैं तो भाई तुम सबको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर तुम्हें इसमें खोना है ना, तो भाई एक बार इसको ट्राई करो। इसमें जो भी इमोशनल कनेक्शन तुम्हें यार होगा ना, वो आप कभी भी जिंदगी भर भुला नहीं पाओगे। एंड बहुत ही ज्यादा इमोशनल सीरीज है ये, जहां पर इसमें लव भी है, लॉस भी है, बेट्रायल भी है, सेक्रीफाइस भी है, एंड जो भी इमोशनल कनेक्शन यार कैरेक्टर्स के बीच में दिखाया गया है, वो भी काफी ज्यादा यार हाई ऑन टॉप है। एंड एट लास्ट मैं यही कहना चाहूंगा कि मास्टरपीस है भाई ये शो मेरे लिए, एंड इससे ज्यादा बेहतर चीज आर्टिस्टिक वे में कुछ हो ही नहीं सकती। इसमें जो इंटेलिजेंस है, डेप्थ है, आर्टिस्टिक ब्रिलियंस है, वो बहुत मुश्किल है भाई पार करना किसी के लिए भी। एंड नाउ माय फ्रेंड, इफ यू हैवंट वॉच्ड डार्क येट, यू आर मिसिंग द ग्रेटेस्ट पजल एवर क्रिएटेड। सो भाई एक बार इसको ट्राई दो, एंड तुम्हें इतने मजे आने वाले हैं ना कि तुम डूब जाओगे इसके समुंदर में। चलो यार वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं। अब आप बताना आपके क्या ओपिनियंस हैं डार्क सीरीज के बारे में, इसके कॉन्सेप्ट के बारे में, एंड ये वीडियो कैसी लगी मुझे ये भी बताना। एंड उसके अलावा मैंने यार बात कर रखी है मैरी जेन वॉटसन के बारे में, जो कि यार सबसे बड़ी गोल्ड डिगर मुझे लगती थी, तो उस वीडियो को भी जरूर चेकआउट करना। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।